हेलो हेलो हेलो, हैप्पी होली बोलना चाहूँगी आप सब लोगों को। आप सब मेरी फैमिली हैं। बहुत ही खुशी के साथ, उत्साह के साथ आप होली मनाइए, लेकिन अपने सारे मतभेदों को, मनभेदों को भुलाइए। जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, जहाँ पर आपके स्वाभिमान की बात है, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके, छोटी मोटी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं और किसी पर्सन से दूर कर रही हैं, अलग कर रही हैं, लेकिन वो पर्सन आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वो सबको लेट गो करिए। और जो रंग हैं उनको, जो रंग है ना, वो मन से निकलने चाहिए। वो बस ऐसे नहीं गुलाल लगा दिया, वो ओरिजिनली आपका मन इतना उत्साहित हो कि आप रंगों से उसको प्रकट करो, उसको एक्सप्रेस करो रंगों के साथ। ये होती है होली। आप या तो फिर बिल्कुल ही ना मनाओ। अच्छा, दूसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, क्योंकि आज होलिका दहन है, कल होली खेली जाएगी। तो आप सब मेरी एक बात का प्लीज़ ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित होली खेलने के लिए प्रेरित करना है। अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित रखना है, ऐसे लोगों से सुरक्षित रखना है जो पार्टी के मूड में और होली की आड़ में बच्चों के साथ अब्यूज़ करते हैं, बच्चों को मोलेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करिए, और हो सके तो अपनी नज़र के सामने रखिए। और अपनी पार्टी के चक्कर में अपने बच्चों के साथ कोई भी दुर्घटना ना होने पाए, इसका बहुत 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 ध्यान रखिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, जहाँ यहाँ थोड़ा सा दिल्ली में औरतें सुबह सुबह होलिका की पूजा करती हैं। हमारे यहाँ एमपी में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, फिर मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ उस जगह का ऐसा कोई कल्चर नहीं है। तो जब से मैं दिल्ली में हूँ तो मैं अटेंड करती हूँ होलिका की पूजा। तो अभी मैं मंदिर जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ किस तरह की होलिका की पूजा होती है, और शाम को दहन होता है। पर मेरी ये बात बहुत ही ध्यान रखिएगा, हालांकि चाइल्ड मोलेस्टेशन के लिए मैं एक अलग अपना ब्लॉग बनाने वाली हूँ, बहुत जल्दी वो आपके सामने आएगा। हो सकेगा तो मैं आज ही वो अलग से डालूंगी। तो अभी मेरा बेटा है स्कूल में, उसको स्कूल से लेने जा रही हूँ, स्कूल से लाऊंगी और डेली रूटीन चालू रहेगा। तो आज आपको क्या करना है, आपको बहुत, हाँ हो सकता है पार्टी हो, आपके घर में मेहमान आए, उस चक्कर में अपने बच्चे की सेफ्टी मत भूलना प्लीज़। हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बहुत सारे ऐसे किस्से सुन रही हूँ कि जो मुझको परेशान कर रहे हैं, और इसी वजह से चाइल्ड मोलेस्टेशन का टॉपिक मेरे दिमाग में आया है। तो उसके लिए मैं एक अलग व्लॉग ज़रूर करने वाली हूँ, तो बस आप देखते रहिए। आज मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो मैं पूजा करने जा रही हूँ जो जो मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर में, और उसके बाद शाम को होलिका दहन की पूजा भी मेरा बेटा जाएगा अपने पापा के साथ, तो वो भी मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी कि होलिका दहन में। अच्छा, इसकी स्टोरी तो आपको पता ही होगी, प्रहलाद और होलिका वाली। तो बस मैं कामना करती हूँ कि जैसे इतनी भीषण आग से प्रहलाद सुरक्षित रहा, वैसे ही लोगों की गंदी नज़रों से और तरह तरह की मुसीबतों से हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, और प्रभु भगवान उन पे ऐसी ही दया करते रहें। तो बस अब थोड़ी देर बाद मैं अपने काम निपटा के फिर आपसे मिलती हूँ। बंदर आ चुका है स्कूल से और सारे कपड़े उतार के मेरा दुपट्टा उड़ के बलून में होल कर रहा, फूट जाएगा वो।
आप इसका सिर देखो, देखो सारे लोग इसका सिर देखो, आज ये कितनी होली खेल के आया है टकलू, है तो वो मम्मा इसको फोड़ दो। आपने किसके साथ होली खेली पहले ये बता दो। पार्थव। पार्थव के साथ। और मम्मा दर्शिका, दर्शिका दर्शिका के साथ भी खेलना, उसको फोड़ दो। ये नहीं फूटेगा। कान बंद कर रहा हूँ। ओए ओके, अब ध्रुव जाएंगे बाथी बाथी करने, ठीक है ध्रुव। ओए खड़ा क्यों हो गया, नंगू पंगू हो गया री, अरे री। अरे नहीं, अरे नहीं 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 नहीं। हाय ध्रुव इज हैविंग पास्ता। ध्रुव कैसा बना है यार, जेन्युइनली बता सकते हो? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप बता सकते हो। अच्छा है, थैंक यू भैया, थैंक यू। गिराना नहीं, हाँ आराम से खा लो। ध्रुव ने आज मुझसे बहुत दिन बाद डिमांड की। ध्रुव ये सब खाते नहीं है, बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाते, है ना ध्रुव? कौन है ये? विराट। विराट कोहली। जिसमें मैंने सुबह होलिका की पूजा की और रात में शामिल हुई होलिका दहन में। और आप सब अपने अपने घरों में आप सब ने होलिका दहन के दिन क्या किया, आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। तो क्या है ना, इस तरह में फैमिली की कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपसी लगाव बढ़ता है जब हम सब एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे से शेयर कीजिए अपनी बातें कि आपने इस त्यौहार में क्या किया और क्या खुशनुमा चीज़ हुई इस बार स्पेशल आपके साथ। तो बस आप मुझे देखते रहिए, और अगर ये वीडियो पहली बार आपके पास पहुंच रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सर्कुलेट करते रहिए, और जो वीडियोस आपको पसंद आते हैं उनको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और प्लीज़ मुझे देखते रहिए। मैं मिलूँगी आपको आज रात 8 बजे अपने लाइव सेशन में। तब तक बाय बाय और हैप्पी होली।